अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल आप सबके? आई होप कि आप लोग ठीक होगे, मज़े में होगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो आज आप लोगों के लेके आई हूँ इतने मज़े की रेसिपी, और यकीन करो इसको ट्राई करोगे तो बहन को ज़रूर दुआएं दोगे, ठीक है। तो आज हम बनाने लगे हैं काठियावाड़ी छोले। आई डोंट नो कि इसको कराची की फेमस डिश क्यों कहा जाता है, हालांकि ये देखा जाए तो राजस्थानी छोले कहलाते हैं और राजस्थान के फेमस छोले हैं, ठीक है, बट कराची के छोले कहलाए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये कराची है और ये छोले नहीं खाए तो क्या कराची है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने छोलों पर थोड़ा सा किया है जुल्म, उसको पूरी रात भिगो के रख दिया। पहले मैंने ठंडे ठार पानी से उनको अच्छे से नहला धुला के फिर पूरी रात भिगोने के लिए भीगने के लिए रख दिया। इसी वजह से ये थोड़े से मुझसे नाराज़ होकर सूझ गए हैं। तो हमने क्या करना है नेक्स्ट डे, हमने मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में या जब आपको बनाना हो, आपने प्रेशर कुकर में छोले डालने हैं, छोलों के साथ थोड़ी सी हल्दी डालनी है और इसको मिक्स करना है और इसका प्रेशर लगा के अच्छे से इसको बॉईल कर लेना है। आपने 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद इसी पानी में मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, मतलब एक टीस्पून, और एक टीस्पून मैंने इसमें चिली पाउडर डाल दिया है और एक टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। अच्छा, ये चीज़ें आपने डालनी है, नमक भी डालना है, ठीक है। नमक 1 टीस्पून डाला है मैंने, और आप चाहें तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है मैंने इसमें, और मैंने डाली है इमली का पेस्ट, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको, और इस पॉइंट पे लाके आपको इसको 10 मिनट तक कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। इस पॉइंट पे जब ये आ जाएगा उसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर की स्लरी इसमें ऐड कर देनी है। मैंने 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था और 1/4 कप पानी में मैंने इसको घोल के डाल दिया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। मैंने क्या किया, चिंटू द वुडन स्पून को कराया बाय, और उसके बाद मैंने ये जो नॉन स्टिक का स्पून है बड़ा सा बड्डे से मुँह का, ये मैंने ले लिया और इससे मैंने इसको अच्छे से चला लिया। इस कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट है। अब हम यहाँ फुल ठेले वाले बन जाएंगे और उनकी तरह हम इसको जो छोले हैं इसको सर्व करेंगे, ठीक है। जिस तरह वो देते हैं ना सारी अपने लवाजमात वगैरह डाल के, तो हम भी छोलों को बिल्कुल उसी तरह से सर्व करेंगे। मैंने क्या लिया है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट लिया है, चिली फ्लेक्स लिए हैं, चाट मसाला लिया है, और थोड़ी सी मैंने ली है प्याज, और उसके साथ मैंने ली है हरी चटनी। हरी चटनी को बिल्कुल पतला पतला रखना है आपने, ठीक है, पानी का अंदर। अच्छा, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डालेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें पापड़ी ऐड करनी है, और कसम से इतने टेस्टी छोले बनते हैं ये, और बने थे वाकई कि इतने टेस्टी बने थे। मैं तो सोची थी एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, ठेला वेला लगा लिया ना अगर तो बिज़नेस अच्छा चल पड़ेगा, यू नो बिज़नेस आइडिया अगर आप चाहो तो इस तरह से कमा सकते हो। छोले बहुत मज़े के बने थे, इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक हो गया। और अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो मोस्ट वेलकम, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं पोस्ट करती हूँ वीडियोस एवरी मंडे वेंसडे और फ्राइडे, सो स्टे कनेक्टेड। आई एम योर होस्ट अभिषेक, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।